हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज फिर से मैं आया हूँ एक अपडेट लेके। अभी फ़िलहाल मैं हूँ रियासी रेलवे स्टेशन के पास। तो वो जो आप सामने टनल देख रहे हो, इसके आगे आता है कटरा रेलवे स्टेशन। अभी मैं इसी टनल के पास जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कितना काम हुआ है। पहले मैंने आपको ये नहीं दिखाया था, मैंने बैक साइड में जो टनल है वो टनल है वही मैंने आपको दिखाई थी, जो कि उस वाली साइड उसको आता है बक्कर रेलवे स्टेशन। तो फ़िलहाल अभी मैं टनल के अंदर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ टनल में कितना काम हुआ है। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, रियासी रेलवे स्टेशन के उस पर आता है केबल ब्रिज भी। हाजी खड़ जो है वहाँ पे केबल ब्रिज भी बना हुआ है, जो कि फर्स्ट केबल ब्रिज है इंडिया का। वो उसका भी व्लॉग मैंने डाला हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो चैनल चेक करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, अभी टनल का नाम जो है वो है T-35। इसकी लेंथ जो है वो है 3 किलोमीटर के आसपास। तो अभी टनल के अंदर चलते हैं, देखते हैं। मैं भी पहली बार ही आया हूँ, मैं भी देखता हूँ कितना काम हुआ है। दो व्लॉग्स मैंने डाले हुए हैं रियासी रेलवे स्टेशन के, मगर उनमें मैंने आपको ये नहीं दिखाया था, ये वाली टनल। तो अभी देख लीजिए आप, लाइट्स वगैरह लगी हुई है, ट्रैक भी बिछा हुआ है। ये जो ड्रेन साइड में देख रहे हो आप, ये अगर वाटर पानी वगैरह आता है तो उसके लिए होगा। ठीक, लाइट्स वगैरह तो हैं, थोड़ा सा करो है आगे। ये केबल वगैरह हैं कुछ। तो ये बाहर का व्यू है, जो कि रियासी रेलवे स्टेशन की तरफ है। आगे आता है रियासी रेलवे स्टेशन। तो अभी मैं वापस मुड़ूंगा, अंदर ही जाएंगे थोड़ा सा, और वहाँ जो आप करूँ देख रहे हो उसके आगे भी देखते हैं आगे क्या है। तो फ़िलहाल आप ये टनल देख लीजिए, और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अभी हम स्टार्ट करेंगे बानीहाल से बराबर कटरा तक। मैं आपको स्टेशन गिनवा देता हूँ, कौन कौन सा मेन स्टेशन आता है बानीहाल से। जब हम बानीहाल से निकलते हैं तो सबसे पहले आता है खड़ी रेलवे स्टेशन, उसके बाद आता है सुंबर, उसके बाद आता है संगलदान, और खड़ी और सांबर के बीच में जो आता है सबसे बड़ा टनल आता है, रेलवे का सबसे बड़ा टनल आता है। और उसके बाद आ गया संगलदान के बाद आता है सियालकोट, उसके बाद आता है बक्कर रेलवे स्टेशन। और बक्कर रेलवे स्टेशन के पास ही है वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज, उसका भी व्लॉग मैंने डाला हुआ है, अगर वो भी आपने नहीं देखा है चेकआउट करें मेरी चैनल को और देख लीजिए वो भी। तो उसके बाद आता है उसके बाद आता है रियासी पहले, और रियासी के बाद आता है कटरा, और रियासी और कटरा के बीच में आता है केबल ब्रिज, जो कि इंडिया का पहला केबल ब्रिज है। तो ये जानकारी मैंने आपको देनी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी मैं वापस चल रहा हूँ रियासी रेलवे स्टेशन की तरफ। ये देखिए, काम तो तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, कुछ ही टाइम लगेगा अब इनको ये पूरा कंप्लीट करने में। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर ये ट्रैक बिछे हुए हैं। तो अभी मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, बराबर यहाँ पे रियासी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे भी एक दो तीन ट्रैक्स हैं, आगे जाके वो दो बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी साइड वगैरह देना होता है ट्रेनों को, तो उसके लिए रखे हुए हैं तीन। तो आगे जाके दो स्टेशन के पास भी, जो कि कश्मीर में अभी जहाँ ये स्टेशन हैं वहाँ पे भी मैक्सिमम दो ही हैं, श्रीनगर में शायद तीन है। तो बाकी जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, मैंने सफ़र किया हुआ है श्रीनगर बारामूला की तरफ भी, तो वहाँ पे दो ही हैं, श्रीनगर में शायद तीन है और बड़गाम में बहुत सारे हैं। तो फ़िलहाल मैं अभी ब्रिज के ऊपर चढ़ूँगा, ये पावर सप्लाई है पूरा
इसके लिए। ये भी ब्रिज है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये भी। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल रेलवे स्टेशन की तरफ। काम तो मुकम्मल हो गया, अब काम रुका हुआ है वो है T1 का मसला है। मेरे ख़्याल में अब बानीहाल से बराबर कटरा तक फ़िलहाल ट्रेन, अगर कटरा तक नहीं तो लेकिन रियासी तक आनी चाहिए। यहाँ तक तो कम से कम ट्रेन आनी चाहिए कुछ ही मंथ्स में, यहाँ 2-3 मंथ्स में आनी चाहिए ट्रेन। फिर उसके बाद मसला है उधर T1 का, और ये जो आंजी खड़ है वहाँ पे भी तकरीबन काम मुकम्मल है। वो उसका भी व्लॉग आया हुआ है, आप देख लीजिए, मैंने बहुत पहले व्लॉग डाला हुआ है केबल ब्रिज का, आप वो भी चेकआउट करिए। तो पिछले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था उन दिनों ये सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनी थी यहाँ पे, अभी सीढ़ियाँ बनी हुई है, अभी भी काम चल रहा है। छत भी नहीं था उस टाइम, अभी छत भी ये लगाया हुआ है ऊपर, यहाँ पे भी कुछ ईंटें वगैरह लगा रहे हैं, पलस्तर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ टाइम लग सकता है अभी, लेकिन ओवरऑल जो देखें कि काम कम्प्लीट है, छोटे मोटे काम है वो भी 2-3 मंथ्स में निपट जाएंगे। फिर अगर ट्रेन चली तो तकरीबन रियासी तक तो आनी चाहिए ट्रेन। फिर उसके बाद वो T1 का मसला है, वो बार बार ब्रेक हो जाता है, उस चक्कर में उधर उसको मसला है, लेकिन चलो वहाँ तक ही आए रियासी तक ही, वो भी काफ़ी है। तो आगे जाके इसी साल तकरीबन शायद जम्मू तक ट्रेन आ जाए, तो फिर तो पता ही है, फिर बराबर वो कश्मीर से निकलेगी कन्याकुमारी तक, फिर आगे कोई चक्कर नहीं है। तो वो जो आप टनल देख रहे हो उसका भी व्लॉग मैंने डाला हुआ है, पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर भी गया था मैं उधर से, लेकिन पानी बहुत आ रहा है उधर से अंदर। आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चेकआउट करिए पिछला वाला व्लॉग रियासी रेलवे स्टेशन, तो उधर देख लीजिएगा। तो अगला वाला व्लॉग जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ बक्कर रेलवे स्टेशन, जो कि इस टनल के उस साइड है बक्कर रेलवे स्टेशन, और उसी साइड भी है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे, उसका व्लॉग मैंने डाला हुआ है, लेकिन बक्कर रेलवे स्टेशन अभी मैं नहीं गया हूँ। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग बक्कर रेलवे स्टेशन की अपडेट दूंगा, कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, सारा कुछ मैं दिखाऊँगा। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए वीडियो को, बस आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 एक कॉमेंट करिए, उससे मोटिवेशन मिलती है। तो बाकी भी कुछ अपडेट अगर मुझे मौका मिला वो भी आपको दूंगा, किसी और रेलवे स्टेशन का आप कमेंट करिए, किस रेलवे स्टेशन की आपको अपडेट चाहिए उसकी भी मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो बस अब मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में, जो कि बक्का रेलवे स्टेशन का होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। बाय, लव यू, टेक केयर।